हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 17.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 32। क्या कह रहा है कि ए पैरेलोग्राम इज कट बाय टू सेट्स ऑफ एम लाइंस पैरेलल टू इट्स साइड, फाइंड द नंबर ऑफ पैरेलोग्राम दस फॉर्म। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे समझिए। एक हम लोग यहाँ पैरेलोग्राम पहले बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस पैरेलोग्राम को क्या कह रहा है कि टू सेट ऑफ एम लाइंस पैरेलल है इनके साइड के, तो यानी कि यहाँ पे ऐसे पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है ना, ऐसे हम लोग एम लाइंस पैरेलल दिए हुए हैं इनके साइड्स के, तो टोटल ऐसे पैरेलल लाइंस कितने हो जाएंगे, तो ये एम है और ये टू लाइंस और एक्स्ट्रा इसमें बढ़ जाएंगे पैरेलोग्राम वाले, तो एम प्लस टू लाइंस हो जाएंगे। इस तरह से भी अगर पैरेलल आप लेते हैं तो ऐसे इधर भी m प्लस टू लाइन्स हो जाएंगे ना जी, ये दो लाइन्स इसमें बढ़ जाएंगे पैरेलोग्राम के, ये जो दो साइड देख रहे हैं पैरेलल, ये भी बढ़ जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इच सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स कंसिस्ट ऑफ एम प्लस टू लाइन्स। अच्छा, अब इसमें अगर मान लीजिए आपको पैरेलोग्राम फॉर्म करना होगा तो क्या करना होगा, दो गो ऐसे पैरेलल लाइन या दो गो ऐसे, मतलब हमें क्या करना होगा, कोई भी दो गो ऐसे पैरेलल लाइन सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए ये और ये सिलेक्ट करेंगे और दो गो पैरेलल लाइन इधर वाला और इधर वाला, है कि नहीं, यानी कि एम प्लस टू लाइन्स में से टू लाइन्स है ना, और इधर वाले भी एम प्लस टू लाइन्स में से दो लाइंस को सिलेक्ट करना होगा, ये ना करना होगा जी। तो हम लोग अब नीचे यहां पे लिख सकते हैं कि इच पैरेललोग्राम इज फॉर्म्ड बाय चूजिंग टू लाइंस फ्रॉम द फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट एंड टू स्ट्रेट लाइन या टू लाइन्स फ्रॉम द सेकेंड सेट, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने हो जाएंगे जी। तो देखिए m प्लस टू लाइन्स में से आपको 2 को चूज करना है और m प्लस टू लाइन्स में से, ऐसे m प्लस टू लाइन में से 2 को, ऐसे वाले m प्लस टू लाइन्स में से 2 को चूज करना होगा, या आप इस तरह रहने तो यही आंसर, या ऐसे लिख दो m प्लस टू सी टू का होल स्क्वायर, समझ गए, क्लियर है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, आउट ऑफ 18 पॉइंट्स इन अ प्लेन नो थ्री आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। इसमें देखिए 5 पॉइंट्स कोलिनियर कह रहा है, तो अगर हम लोग 5 पॉइंट्स जो इनमें से टोटल 18 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट कोलिनियर है तो उनसे सिर्फ एक ही ना लाइन जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन, कैसे कितने स्ट्रेट लाइन, फिर कह रहा है कितने ट्रायंगल भी फॉर्म हो सकते हैं। चलिए दोनों के लिए देखते हैं, समझे, टोटल 18 पॉइंट्स है, 18 पॉइंट्स में से अगर दो को चूज करेंगे तो एक लाइन आप दो कर सकते हैं, लेकिन इसमें 5 ऐसे पॉइंट है जो कोलिनियर है और उनसे सिर्फ एक ही लाइन जाएगा, है ना जी। तो हम लोग एक काम करते हैं यहां पर कि लिखते हैं नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो उसके लिए देख लेते हैं, स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द 18 पॉइंट्स टेकिंग 2 पॉइंट्स एट अ टाइम, क्या हो जाएगा, तो 18 सी टू,
तो 18 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल और 18 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 18 इंटू में 17 इंटू में 16 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 और इंटू में 16 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, ये आपका 9 टाइम्स में, तो यानी 153 आ जाएगा, 17 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अच्छा अच्छा अगर मान लीजिए 5 पॉइंट्स हो तो उनसे आप कितने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड जॉइनिंग द 5 पॉइंट्स टेकिंग 2 पॉइंट्स एट अ टाइम, तो उसके लिए हो जाएगा 5c2, यानी 5 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 होगा और यहाँ 3 का फैक्टोरियल, ऐसे ही रह देते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग 2 टाइम्स में, यानी कि 10 ऐसे पॉइंट्स हो, 10 ऐसे लाइन हो सकते हैं, लेकिन जो हमने 5 पॉइंट्स यहाँ लेकर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, वो 5 पॉइंट तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उनसे सिर्फ एक ही ना लाइन जा सकता है, बट व्हेन 5 कोलिनियर पॉइंट्स आर ज्वाइंट पेयर वाइज दे गिव only one line, ठीक है, therefore required number of straight line कितना हो जाएगा जी, तो 153 में से ये 10 हटा देंगे क्योंकि ये तो हमने लोग कोलिनियर पॉइंट से उनसे खींचे थे, अच्छा और इसकी जगह पे एक ले लेंगे क्योंकि उन 5 कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन तो होगा ना जी, 154 में से 10 सबट्रैक्ट करेंगे 144, यहाँ से ये आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है कि ट्रायंगल कितने फॉर्म हो सकते हैं इनको ज्वाइन करने पे, इन 18 पॉइंट्स के लिए, तो इसमें से 5 कोलिनियर पॉइंट्स दिया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि आउट ऑफ 18 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड अगर आप मान लीजिए 5 कोलिनियर पॉइंट है तो उनमें से किसी भी 3 को ज्वाइन करोगे तो क्या कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा, कभी नहीं फॉर्म होगा, ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, उससे कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, एंड यहां लिख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए 3 पॉइंट चाहिए ना जी, रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए ट्रायंगल, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, तो हम लोग को क्या करना होगा, 18c3 में से सबट्रैक्ट कर लेना होगा 5c3 को, क्योंकि 5 ऐसे पॉइंट है जो कोलिनियर है, उनसे कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा नहीं, इसलिए चलिए तो हो जाएगा यहाँ पे 18 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल और 18 माइनस 3 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल बाई में 3 का फैक्टोरियल और यहाँ 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल 18, यहाँ पे फिर आपका 17, 16 और फिर 15 का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल 6 और यहाँ 15 का फैक्टोरियल माइनस 5 इंटू में 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल बाई में 3 का फैक्टोरियल है और 2 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, चलिए इससे ये कैंसिल, 6 3 18, 3 का फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल और 2 2 4, तो चलिए देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 में 3 से तो 51 हो जाएगा और फिर आपका 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 यहाँ पर 16 आ जाएगा और माइनस का 5 2 10, यानी कि 806 ट्रायंगल्स फॉर्म्ड हो पाएंगे टोटल, समझ गए। तो यही क्वेश्चन थे, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे अगले एक्सरसाइज चलेंगे, आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा,
पाथ फाइंडर क्लास छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर, आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।